A very good morning, dear students. Today we will do the exercise of chapter number seventh that is turning on of a computer. Okay, so open page number fifty nine, and the first exercise is take the correct option. So first one is which part supplies power to all the computer parts? As a konsa part hai jiske through हमारे इस कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को पावर सप्लाई होती है सो द राइट आंसर इज यूपीएस, ओके नाउ सेकेंड वन इज विच पार्ट हेल्प्स यू टू सेव योर वर्क व्हेन द पावर फेल्स जब हमारी पावर फेल हो जाती है मेन पावर सप्लाई जब बंद हो जाती है तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे वर्क को सेव करने में हेल्प करता है सो द राइट आंसर इज यूपीएस यूपीएस ओके नाओ थर्ड वन एज स्विचिंग ऑफ द कम्प्यूटर प्रॉपरली डैश द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर जब हम अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली स्विच ऑफ करते हैं बंद करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की लाइफ इंक्रीज हो जाती है ओके okay? आई एन सी आर ई एस ई एस इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर ओके जब हम अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली स्विच ऑफ करते हैं इट इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर की लाइफ को इंक्रीज कर देता है ये ओके नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिव इन बिलो फर्स्ट वन स्विच ऑन द डैश विच सप्लाईज अनपटेड पावर टू ऑल द कंप्यूटर पार्ट्स हमें किसे स्विच ऑन करना चाहिए यूपीएस स्विच ऑन दी यूपीएस सो यूपीएस सप्लाई करता है अन इंटरप्टेड पावर टू ऑल कंप्यूटर पार्ट्स हमारे सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई करता है ओके नाउ सेकेंड वन इज वेन दीपीयू इज ऑन जब हमारा सीपी यू ऑन होता है द कीबोर्ड एंड द माउस विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग हमारा कीबोर्ड और माउस भी वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है ओके okay? सो so, जैसी हम सीपी यू हमारा ऑन होता है वैसी हमारे कीबोर्ड और माउस भी एक्टिव हो जाते हैं नाउ थर्ड वन इज डैश द कंप्यूटर इज ऑल्सो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सो दर्निंग ऑफ टी यू आर एन आई एन जी टर्निंग ऑफ ओ डबल एफ सो टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए भी हम क्या यूज करते, है? करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज करते हैं ओके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज करते हैं नाउ फोर्थ वन इज ऑलवेज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ योर कम्प्यूटर स्टेप बाई स्टेप एस टी ई पी स्टेप बीवाई बाई एस टी ई पी स्टेप ओके सो हमें हमेशा अपने कम्प्यूटर को टर्न ऑन और टर्न ऑफ स्टेप बाई स्टेप करना चाहिए ओके okay? Now, last one is never turn off the computer directly. D I R E C T L Y directly. We have never turned the computer ko kabhi bhi directly off. Gana okay. Now, the next exercise is true and false. So, first statement is you should touch. Power buttons as well as computer buttons with wet hands। हमें power buttons और computer के buttons को गीले हाथों से touch करना चाहिए। So this statement is false। Okay, हमें कभी भी electricity के equipment या फिर के कोई भी part को wet hands के through नहीं touch करना चाहिए। Okay, so this statement is false। Now second one is UPS helps you to save your work when power fails. UPS help करता है हमारे work को save करने के लिए जब power fail हो जाती है जब power बंद हो जाती है okay? So the statement is true. Now third one is you should always switch off the computer directly. हमें अपने computer को directly switch off करना चाहिए So the statement is also false. Okay? वेन दीपी ऑन द कीबोर्ड एंड माउस विल स्टार्ट वर्किंग जब हमारा सीपी यू ऑन होता है तो कंप्यूटर के की बोर्ड और माउस भी वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू नाउ द लास्ट वन इज टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू करते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू ओके सो डियर स्टूडेंट्स टुडे यू हैव टू डू दीज थ्री एक्सरसाइज इन योर बुक एंड फर्दर एक्सरसाइज यू विल डू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू हैव अ गुड डे